कौन सा घर है? ये मुझे अपने से घूम के लिए मुझे कुटिया देखने हम लोग वही है ना। ये पानी वही देखा समुद्र की रेत जैसा बनाया गया। गुजराती लैंग्वेज में नीचे एक्सप्रेशन कुंभ मेला ऑफ पर हिंदी में लिखना चाहिए। अभी सूरत में है अभिजीत भैया, यहाँ पे यहाँ से डांडी साल्ट मार्च निकला था वही मामा। इधर से मैप बना हुआ है पूरा ना, यहाँ से मटवार धामन वांश साकरवाटा देनाट और बटगाम मरीची। उधर क्या है? साबरमती आश्रम से निकले आश्रम वही वहाँ जो देखे वही था ना? नहीं, ये साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। अहमदाबाद रुक जाइए और कुछ दिखाते हैं, वेट कीजिए थोड़ा सा। आइए इधर, ये तो पूरा रियल गांधी जी लग रहा है। वर्ल्ड ऑफ व्हाट्सएप हाँ परमिशन ले लो। इधर गांधी जी के साथ ये कौन है? नरेंद्र मोदी लग रहा है ना ये जवाहरलाल नेहरू। नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र मोदी तो बहुत पुराने फोटो लग रहा है। मुख्यमंत्री थे गुजरात के उस समय का। नमस्ते। कौन इस तस्वीर में? कौन इस तस्वीर में तुम पहचान दोगे बिहार से कोई है? बिहार से? बिहार से कौन थे इधर? गांधी जी बीच में तो लग रहे हैं और यहाँ पे और पहचान दो। गांधी जी के पीछे वाले को भी हम जानते हैं, एक बुक में पढ़े थे उधर जो टोपी लगे हुए हैं, लेकिन और पहचानों के बिहार से हैं इसमें। इंदिरा गांधी इसमें नहीं थी शायद। अरे गांधी जी के समारोह इंदिरा गांधी तो इधर है इसमें कहाँ गए? ये कौन है तो फिर? इंदिरा गांधी है ना पहचान। और कौन स्वतंत्रता सेनानी को जानते हैं इसे? अब हिंट दे, मूंछ वाले कौन है? लाल। और स्कूल का भी नाम है सारा छपरा जिला दे जिला का छपरा से। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
हम तो लाइव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं ये जानते। है। हाँ ठीक है अगर देखते हैं जाओ रे वीडियो बेफूल, लंबा हो जाएगा ना। तुम इतना कमजोर ये क्या है? बुद्धि का आदमी को पता था, इसीलिए CBSE बोर्ड ना माथा खराब बच्चे को वही ना, सही चीज पढ़ाते हैं। वही नहीं क्या है, तो खुद भी पढ़ना चाहिए। साइंस साइंस स्टूडेंट है, साइंस स्टूडेंट। इसका मतलब क्या कि अपना हिस्ट्री अपना ज्योग्राफी ये भूल क्या चाहिए, जाएगा, ये पूर्वज को भूल जाएगा। क्या चाहिए, ये ये है, इसमें खाना वाना बना होगा सब्जी। खाना अभी तक हांडी टांगा हुआ है, सत्याग्रह आंदोलन के समय वो में। साथ में कौन है? गांधी जी के साथ। हाँ ये क्या नाम था मैडम का, उनकी पोती थी। हाँ मोमना छे, स्टेचू मोमना छे। ए हमने पहले इन्फॉर्मेशन ने रिसा आपने अच्छा इन्फॉर्मेशन थी आपको यूं लागे मोम ना चाहिए। प्लास्टिक का है प्लास्टिक भाई, सूरत में है डांडी। अरे सूरत में डांडी कहाँ से आएगा बेवकूफ, बराबर गलती बोलता है। हमारे लाइव वीडियो में पूछ रहा है, उनको जवाब दे रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हाँ हैं। तो सूरत में डांडी नहीं है ना, नौसारी जिला में डांडी आएगा। वही हुआ ना, गुजरात में बोलो तो गुजरात स्टेट में आएगा। नौसाड़ी में है भाई, रामेश्वरम नहीं। रामेश्वरम किधर है? रामेश्वरम क्षेत्रबंधुरा में, तुमको ये भी पता नहीं इंडिया का मैप देखे हो कि नहीं? साउथ में तमिलनाडु में आएगा रामेश्वरम, जहाँ के कौन थे, APJ अब्दुल कलाम थे। ऐसे भी याद रखोगे तो पता चल जाएगा। चलिए इधर देखते हैं। हाँ मोदी जी थे इसमें। नहीं भाई आदित्य, तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु नहीं, गुजरात में रामेश्वरम। हाँ रामेश्वरम तमिलनाडु में एक प्रकार है। हाँ सही है, इसीलिए तो दिखा रहे हैं, तुम लोग भी हमारे साथ साथ घूम लो। ₹20 का टिकट कटवाए हैं, उसी में सबको घूम ले, पूरा हमारे दोस्त लोग को घुमा रहे। ये देखो गांधी जी नमक उठाए हुए हैं। अरे डस्टबिन नहीं है ब्रो, ये नमक है नमक। कितना का नमक उन्हीं से पूछना पड़ेगा। लाई नहीं, इस समय फोटो खींचने वाला थोड़ी ना, एकदम बेकार है, इतना धूप है इधर। नहीं भाई होली
इधर से ही पार कर लें, जंजीर को उधर पार कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भैया? इधर चलिए, रूल को काय उल्लंघन करें। होली भाई हैदराबाद में मना है, होली यहाँ पे पानी के इधर दिक्कत है ना, तो होली इधर नहीं मनता है, वही डांस वंस होता है, दारू साड़ू चलता है, और क्या रंग से नहीं होता है होली इधर। किधर से भी कैसे निकल जाए, रूल का उल्लंघन करेंगे तो फिर जेल हो सकती है, इधर तो बहुत कड़ा है ना इधर कानून। पुलिस भी इधर है नजर रखने के लिए। हाँ भाई आदित्य, वही समझो, टिकट के भी आदमी अंदर है, तो वही ना फालतू में टिकट कटवा लिए, भारत सरकार को 20 रुपया डाल दिए दान में। उधर उधर तेलुगु तमिल उधर बोल रहा था, वहाँ पे तिरुपति में कुछ लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रहा था, बहुत दिक्कत होता है लैंग्वेज में। बोलते इधर बना ये सब ना, नरेंद्र मोदी इधर आए थे। वही समझो आदित्य, टूर पे निकले हैं। होते ना यूट्यूब पे पोस्ट कर दो, ऐतिहासिक जगह के बिना परमिशन के मैंने टूट डाल दो यूट्यूब। ओ ये भी बात सही है, लेकिन गार्ड बैठल ले लिया है, बाबा झाड़ खड़ा झाड़ लगी चल रही है, अभी मना कर दिया सब कुछ हिला हुआ है ना, अपना शक्ल भी दिखा दें, लो दिखा दे सर, बोलिए वेट। अबे क्या हो गया दीपक सर, एक ऑर्डर, ऑर्डर होगा पार्टी वाला रैपिड मेडिको का, एक सौ पचास लिखा हुआ है मालिक। हे क्या हो रहा है यार, 150 पे 5 10 पे जाएगा, 100 पे कितना जाएगा, 10 जाएगा। हाँ तो वो ठीक कर दीजिए, करेक्शन कर दीजिए, वो बच्चा बेवकूफ है। हाँ पांडे सर थैंक यू। इधर धूप पिकता है ना, पूरा मुंह लाल हो गया मेरा। यही 20 रुपये का टिकट, क्या देखिए मास्क नहीं, फेक नहीं रहे वो सामने क्या है, सोलर प्लेट लगा ले, हमको लगा था वो शीशा से उधर करता है, सोलर प्लेट है वो, धूप धूप का पूरा बिजली चल रहा है, हमको लगता है वो सामने जो लगा हुआ है ना, जो धूप पड़ता होगा फिर उधर से रिफ्लेक्ट करके उस पे सोलर पे पड़ाता होगा, पिरामिड पिरामिड हम में भी क्या बोलते हैं, कौन सा डायमंड जैसा बनाया है ऊपर में क्यूब, चलो इधर से ये, अच्छा ये लास्ट में घूमना है इधर, चलिए इधर चलिए। क्या हुआ भाई क्यों हंस रहा है, डी एस एल आर लेके आया हुआ है सब, गांधी गांधी जी अच्छा वो क्या है मामा और कहाँ नहीं
वो अंदर गांधी जी क्या देख रहे हैं अंदर में? माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट थे, लेकिन उसका चलो आदित्य साइंस नमक साइंस कमजोर इसी के लिए तो देखने आए थे। नमक में क्या आयोडीन ढूंढ रहे हैं? आयोडीन ढूंढ रहे थे। देख भाई सर, नमक में आयोडीन ढूंढने हम भी आए इधर। रे भाई लाइव है, थोड़ा कमेंट बढ़िया से कर संभाल के। तुम्हारे हम लोग का वो ग्रुप नहीं है जो ऐसे ऐसे कमेंट कर रहा है पगला। देखो सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है ऊपर। भाई ये मार्च इसका एक फोटो ले लीजिए। जीत भाई हो गया। क्या जी कलाकार का है ना? आगे वो लेटर है। ये तो लग रहा है जापान का कोई थ्री डी पेपर इसमें लगाया होगा। अरे यहाँ रूप मत कर सर। ओके सॉरी, इसमें थ्री डी होना चाहिए था। ए थ्री डी वही तो बोलो, ये तो थ्री डी नहीं दिख रहा ना, टू डी दिख रहा। चलिए नमक में आयोडीन ढूंढते हैं। गांधी जी इसमें नमक में आयोडीन ढूंढ रहे थे। इसमें दिखेगा जो यहाँ पे बनाया हुआ है इमेज, वही साल्ट के अंदर दिखेगा। क्या मतलब? अरे सुई सुई के अंदर होल है ना, सुई के छेद में देखिए आप, वो तस्वीर दिखेगा। इसमें तो नहीं दिखेगा, यही अंदर में यही दिख रहा है हम लोग को। ये आप देख सकते हैं ये वाला सुई के अंदर गांधी जी। अब जो आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा वही चीज इसमें सीन में। दांडी मार्च इस वीक के अंदर इन लोग का वो बना हुआ है ना? मैं ये खादी से प्रेरित कर गया होगा, खादी के लिए कुछ खिलाई उनका इस पर लिखा होगा। क्या लिखा होगा उनको? सर्वोत्तम रचना देती है, बाकी आँखों से नहीं देखा जा सकती। अन्य कारणों से माइक्रोस्कोप अच्छा है। देखो बनाने वाला अजय कुमार मतेवाद है, सूक्ष्म शिल्प के विशेषज्ञ हैं वो।
वारंगल निवासी, वारंगल निवासी अजय कुमार मातेवार सूक्ष्म शिल्प के विशेषज्ञ हैं। उनकी सर्वोत्तम रचना अद्वितीय बारीकियाँ आंखों से नहीं देखा जा सकता। हारने के लिए देखने के लिए ऐसा बनाया गया कि उसको राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक के लिए उन्होंने सुई के छेद में महात्मा गांधी उनके साथ अनुयायियों के समेत दांडी प्रयान का सूक्ष्म शिल्प बनाया। इस अति सूक्ष्म गांधी मूर्ति की ऊंचाई 1.09 मिलीमीटर और चौड़ाई 0.29 मिमी है। अन्य मूर्तियों की ऊंचाई 0.79 मिमी के बीच, चौड़ाई 21 मिमी से 1 मिमी के बीच है। स्मारक की शूटिंग बारीकियाँ पेशेवर स्वर्णकार अजय कुमार मतवेद गत अनेक दशकों से सूक्ष्म कला का सृजन करते हैं। दांडी प्रण कौन उसको सुई में अंदर जो है सो कलाकार अच्छा पेंटिंग बनाकर दोगे तो यहाँ लग सकता है गांधी जी के ऊपर ना, और इसी के लिए शायद मांगा भी गया था पूरे। आप सर का इंटरव्यू ले सकते हैं, सर के पास पूरा नॉलेज है कि कैसे क्या है। हाँ, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नहीं गए थे जाना चाहते हैं तो मैं उसको क्या चीज़ें बता देता हूँ, सर जरा बता दीजिए। ठीक है, और इसमें क्या है, हर एक के जो प्रसंग है ना इसके नीचे आपको तख्ती मिलेगी स्टील वाली, जिसमें हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में लिखा है, तो आप उसका फ़ोटो ज़रूर लीजिए ताकि आप बाद में पढ़ सकते हैं। अभी आपके पास गर्मी में टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी निकल तो जाएंगे, सब फोटो लेते लेते जाएंगे तो अच्छा। यहाँ पे जितना पावर सप्लाई हो रहा है 16 से पावर तो ज़्यादा हो जा रहा है, उससे 80 तक कही आप लोगों बराबर, तो उससे समझो कि 150 के आगे बढ़ी बिजली भी आपको दे देते वो बेच देते हैं जीबी को बेच देते सीधा ट्रांसफर हो जाता है बैकअप में से, इसका पैसा वो लोग अपने को देंगे या फिर रीइंबर्स कर देंगे जो आपके यहाँ। प्रार्थना स्थल तक आकर के दांडी जाता था फिर वापस हो जाता था, तो यहाँ से आप अंदर जब भी आते थे ना उस टाइम पहले मैं जलालपुर में ही रहता था, ये तो बना हुआ था, इसमें क्या था फोटो थे सब गांधी जी का जन्म से लेकर पूरा उनका इतिहास था वो सब फोटो, उनका गोली मारी जमी जलक का फोटो था। पावर प्लांट का जो आगे है ना लिखा है ना सैफी वाला नाम का मकान था जो है अभी, हाँ अभी वो एक ने डोनेट कर दिया है हमारे सर के, उस टाइम के बुजुर्ग थे वो धर्म वाले, तो उन्होंने गांधी जी के साथ रहा है नहीं वो मोमेडन फैमिली मतलब के वोरा बोलते हैं, वोरा मोमेडन का था, हाँ मैं जानता हूँ वोरा, तो उन्होंने डोनेट कर दिया था गांधी जी को कि अभी आप इसको कैसे भी यूज करो सत्याग्रह करो यहाँ से रहने के लिए दिया, उसके बाद उसको दे दिया, उसके बाद तब जो पुतला दिखता है ना गांधी जी ऐसा नमक दिगला है बस उसी वो पॉइंट मेन है कि वहाँ पे बना था नमक अच्छा। बना था तो उधर ही बना था वहीं पे बना था, और अभी हम लोग प्रैक्टिकल पे यहाँ कैसे बताने वाले हैं। अच्छा, यहाँ से करारी जाके रुके हुए थे क्या? हाँ, करारी में एक महीना रुके थे, एक महीना जो रुके थे लगभग, तो झोपड़ी जो बनी थी वो आज तक संभालते हो कैसे, हर साल उसको अंदर का जो 2011 में तो बहुत मटेरियल चेंज करते हैं पर वो लगे हैं अपना एज इट इज जो पहले बना था, तो डेवलप 3-4 साल में हुआ है, बाकी तो पहले एकदम बेकार था, लाइब्रेरी का सारा बुक अभी भी लाइब्रेरी का बुक वहाँ पे फेंका हुआ है, गवर्नमेंट ने ध्यान ही नहीं दिया। गवर्नमेंट का मोदी साहब आए ने, मोदी जी को तो सम्मान मिलना ही चाहिए, नहीं उस समय में तो मोदी थोड़ा
के ऊपर ये पूरा नहीं, उस समय मुख्यमंत्री वो थे और हमने बहुत सारे फोटो भेजा भी था कि उनका जितने भी पुराना पुराना एकदम कस्तूरबा गांधी का अरे वो लोग क्या हुआ सारा बुक और ये सब फेंका हुआ था, बोतल जला जला के फेंका नहीं संभाले बियर के बोतल और ये सब देखे। हाँ हाँ बाहर से जब भी मालूम पड़ा ना कि गांधी जी का ये चालू है, जब से मैं आता हूँ देखते बड़ा फोटो मुसारी का है। क्या नाम इसमें क्या है, हम लोग प्रैक्टिकल बताने वाले हैं। ये जो मटका है ना उसके ऊपर एक तवा है, तवे में क्या है कि नीचे सिगड़ी तरीका लगाया है इधर, तो हम लोग सबको दिखाएंगे इधर, अभी चालू नहीं हुआ इसमें हम लोग, तो इसमें एक और काम बाकी है, तो ऊपर एक गिलास पानी डलवाएंगे आप लोगों से, आपका ग्रुप में से हर एक ग्रुप में से एक एक गिलास पानी डलवाएंगे, फिर उसको चालू करने के लिए एक सेंसर लगा हुआ है, उसको खाली हाथ लगाएंगे तो सेंसर चालू हो जाएगा, लाइट आ जाएगी, समझ जाने का अभी चालू हो, तो हाथ नहीं लगाने का, बैठ रहने का, देखने का, तो पानी धीरे धीरे उबलेगा कितना 250 डिग्री टेम्परेचर पर, तात्कालिक आ जाएगा 250 डिग्री और उबल उबल के भाप बन के उड़ जाएगा और छल्ले में नमक बचेगा। अच्छा अच्छा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने नमक मेरे हाथ से बनाया, मेरा ग्रुप ने बनाया, आज भी सत्याग्रह में वो कल का नमक इसके पहले का नमक है ना वो सब जमा रखेंगे, उसके इतनी डिब्बियाँ भरेंगे, वो आपको सैंपल चाहिए तो हम खुशी से दे देंगे, उसका कोई कीमत नहीं आएगा, पर आप बता सकेंगे आपके गांव मुलुक जहाँ पे से आए हो, लंदन अमेरिका से आए कि भाई देखो हमने गांधी जी की जगह पे स्मारक तो देखा पर नमक भी बनाया, पर हमारे हाथ से बनाया हुआ नमक, बहुत अच्छा आइडिया है, ये इतना इनोवेटिव आइडिया है, इतना सब छोड़ रखा है। अच्छा, ये सब मोदी जी का फोर्ट है, इतना इन्वॉल्व हो गए इसमें काम करवाया है, ये पावर वाला काम के लिए तो नरेंद्र मोदी जी का मतलब बहुत बड़ा योगदान है। मुझे पता था कि वो आने वाला है, सब उन्होंने बताया अंदर, यहाँ पे रोजगार भी बढ़ेगा, ये भी होगा वो होगा, ये सब थॉट मतलब वो डीपली इन्वॉल्व होके ये स्मारक में ध्यान दिया है और बोल दिया है कि अभी इंडिया में दो ही स्मारक आपको देखना पड़ेगा, एक अपना जो इसका वल्लभ भाई वाला जो हुआ ना सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो है और दूसरा ये है, बोला दो चीज़ देखने लायक हम लोग ने बनाई है, आप जरूर देखिए, आपका रिश्तेदार संबंधी सबको लाई है और सबको बताइए। मैं हकीकत में ये 90 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अच्छा आप देख रहे हो तो खर्चे के हिसाब से कितना 90 करोड़ का प्रोजेक्ट 90 करोड़ के अंदर ही। कैमरा तो इसके लिए कि आप यादगिरी लेके जा सकते हो पूरा। बाकी एक आपको शायद पता हो कि नहीं हो, एक इधर कोई समर्पण बाबा है, हाँ वो सामने ही है, वो उसके भगवान जाने वो क्यों कैमरा से करते हैं, वो जाते हैं वो बंद करवा देते हैं कैमरा। सर मैं आपको एक उसके बाहर ही रखते हैं बता दूँ, जिससे जो भी बाबा है महाराष्ट्र से, वो तुम्हारे मेरे तरीके महाराष्ट्र मैं उसका स्टोरी जानता हूँ, उसमें मैं सुपरवाइजर था, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो वो भी मेरे को काम मिला था उस टाइम जॉब के हिसाब से, तो उनका पूरा इशू वो आए थे जब भी अकेले आए थे, फिर धीरे से फैमिली भी आ गई, पब्लिक ने उसको रहने का बना दिया, फिर अभी 136 हो गया। ये तो मुझे तो क्या लग रहा है आप भगवान जाने आप जो ज़्यादा दिन से जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं जाता हूँ अभी तो, मतलब जान रहे हैं उनके बारे में, लेकिन लग रहा है कि बाबा का आसान जैसा ही बाबा का जो थॉट है वो मैं बता रहा हूँ, वो क्या बोलते हैं, मैं खाली ध्यान सिखा रहा हूँ, आपका मन की शांति के लिए और आपका पावर ब्रेन पावर बढ़ता है तो ध्यान सिखा दी, अभी आपको इसके ऊपर अप्लाई करके आगे बढ़ना है।
है तो मैं जैसे बड़ा हूँ ना, मतलब मैं जो लेवल पे आ गया ना तो लेवल पे आप भी जा सकते हो, पर मेरे पीछे पड़ेंगे और मेरे साथ घूमने वाले हैं उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बात सही है, अभी मेरे मैंने सिखा दिया एक टाइम, मैंने उसके पास नहीं भी जाऊँगा तो मेरे उससे मिल रहा है तो मैं भी जाऊँगा। ठीक है, आइए वेलकम फैमिली के साथ, आइए सच रहिए। हाँ चलिए किधर से जाओ, इधर से चलिए, इधर से देखता हूँ। उन्होंने पूरा स्टोरी समझा दिया क्या, और साल्ट खुद से ही बना सकते हैं तो ये भी प्रोजेक्ट बताया उन्होंने। सेंसर वाला लाएंगे, सेंसर वाला भी नहीं लगाया क्या, लगता है एक बार और दौड़ा करना होगा साल्ट मार्च के लिए, देखने के लिए पूरा सा एक्सपेरिमेंट खुद से करने के लिए। सब कैमरा बैन हो जाए का है। हाँ सही बात, वैसे ही सही, बहुत अच्छा है। देखो हर गांव का यही बता रहे हैं, हर गांव के बारे में बताएगा कि जहाँ जहाँ रुके थे अभी इसमें लिखा हुआ है। 2 मार्च 1930 में यहाँ पे रुके थे ये गांव में, कौन से गांव में है, पटेल दास गांव में गिरफ्तार होते थे। 2 मार्च 1930 को गांधी जी 22 राव को खत लिखकर नमक कानून तोड़ने की यात्रा के प्रस्ताव की जानकारी देते हैं। अच्छा, और 7 मार्च यात्रा का प्रचार और तैयारी करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल पटेल जी गिरफ्तार हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल मिनिमाइज कर दे, फोटो लेना है ना, फोटो हम ले लेंगे कैसे, इससे लाइव रखिए ना वीडियो हो जाएगा। लंबा लंबा वीडियो शेयर होता है ना, ये कौन गांव का है, सोहल विद्यार्थियों की अरुण कुट टुकड़ी ग्रामीण दल टंड पथ पर हर गांव में साइकिल से पहुंचे। अच्छा साइकिल से गए थे, देखो साइकिल से गए थे तो साइकिल का भी चित्र इसमें दिखाया जा रहा है कि साइकिल से इस तरह से गए थे। अरुण टुकड़ी द एडवांस पार्टी ऑफ 16th स्टूडेंट फ्रॉम गुजरात विद्यापीठ साइकिल टू इच विलेज ऑन द टांडी रोड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द मार्च कैरी आउट द कंसर्न्स एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर द मार्च। नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, ऊपर मत चलो, डैमेज नहीं पहुँचा, क्षति नहीं पहुँचा। एज इट देख सकते हो, तुम ही देख सकते हो, दूसरे को भी दिखने में। अच्छा पूछो तो इसमें स्विमिंग कर सकते हैं, नमक वाला इतना गर्म होगा तो यात्रा से पहले एक शाम साबरमती नदी के तट पर गांधी जी सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हैं। साबरमती मतलब अहमदाबाद, 2000 लोग उपस्थित थे। ये लोगों का वो प्रतिमा बना हुआ है ना, 2000 लोग थे। चलिए आगे चलते हैं। प्रार्थना के बाद कस्तूरबा गांधी जी को तिलक लगाती हैं, धर्म यात्रा पे निकल रहे हैं। एक कठोर परंतु सादगी भरी सत्याग्रह की यात्रा। नदी पर करती यात्रा, यात्रा
क्या करने लगे जो है उस बात को कंधे से रहता स्वागत करता है। ये तो पानी में कहा ना, पानी में कस नज़ारा, पानी में कहा नदी पार करती तट। गजब लेकिन बदल पर जाए सोलर प्लांट का। दिन गांधी जी इस दिन मौन पालते हैं। ज़्यादातर यात्री अपने रोजमर्रा के काम में लगे हैं। कुछ यात्री स्थानीय लोगों को हिंसात्मक लिखना चाहिए अनुसार छूट गए हैं। इसके बारे में कोई इश्यू नहीं है। गया अच्छा लिखाया ही नहीं। सरोजनी नायडू है बीच में बच्ची जो है सरोजनी नायडू आशीर्वाद दे रहे हैं कुर्सी पे बैठ के। 16 साल की थी। दस किलोमीटर है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से कम थोड़ी है। हाँ हम लोग तो बहुत दूर से चल रहे हैं अभी। नदी रास्ता तो था नहीं, नदी वदी था तो नदी हिल जाते थे कहीं कुछ कहीं ये तो बताइए बोट ले लेते थे। इधर सुभाष चंद्र बोस इतना तस्वीर लगा लेकिन वो नहीं सकते। गांधी जी बीच में बैठे हुए हैं गाड़ी सामने है। ये औरत कौन है? अरे ये बेवकूफी दिखाया अहिल्या बाई के कुछ कुटिया में रामचंद्र जी। गांधी जी पुल पे लग रहे हैं। गांधी जी और यात्री बांस से बनाए हुए काम चला पुल कीम नदी को पार करते थे। कीम यहाँ पे कीम नदी पुल पर
सभी राष्ट्रीय गांधी जी का स्वागत करते हुए। छात्रियों के लिए फल और सब्जी से भरा हुआ गांधी जी ताम जाम अत्यंत सुखी थे और भटगांव की सभा में कहा कि वे रेलवे ट्रैक लग रहा है। गांधी जी विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय कर्मी इस असाधारण दृश्य का एक बड़े वाहन की छत से फिल्मांकन करते हुए। अच्छा, ये फिल्म बना रहा है कैमरा लिए हुए। उस टाइम कैमरा रहा था? हाँ, वो विदेश का फिल्म बना था, आया नौसारी ही आया। सेफी विल्ला के यजमान गांधी और यात्रियों का स्वागत करते हुए एक प्रार्थना सभा और बाद में गांधी जी का संबोधन। उन्होंने कहा कि दांडी का चयन इस अहिंसा नामक सत्याग्रह के लिए विलय भगवान के लिए किया, सत्याग्रह लिए भगवान के लिए किया। समुद्र में नहाकर गांधी जी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ दिया। वाह, यात्रियों ने वही किया और नमक सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। जल्दी ही यह सहयोग आंदोलन देश भर में फैल गया। कैमरा से एमर से लेना ही बंद कर दी, कैमरा लगो ना। तो चौधरी जो बिहार से थे, पंडित जी एज मात्र 20 साल का। वह बिहार में तो सिल आदमी होते ही हैं, बिहार के भी लोग हैं ना। हाँ, राजपूताना, महाराष्ट्र, नेपाल, गुजरात सभी के हैं, बंगाल से भी। गिरवरधारी चौधरी बिहार से थे, उम्र 20 साल। सबसे जो इस
इसमें जो है स्टैचू 20 साल का दिखेगा, समझ जाइएगा गिरवरधारी चौधरी का। ये तो बहुत कम उम्र के ही लग रहे हैं। यही है बिहार से। हाँ ओ भाई बाहर पट्टी ना बाहर ना ये तो सबसे एजेड यही लग रहा है। लंबे लंबे लोग लोग या लंबा मूर्ति बना दिया। कितने लोग थे शामिल सारे समाज में। खाली पाँव थे ना, एक दो चप्पल पहने हुए। गांधी जी सबसे आगे थे, दिखाया है ऐसा। एकदम रियल लग रहे हैं लोग। अच्छा स्टैचू बनाया है, सबका नाम भी नीचे लिखा हुआ है। अच्छा तो हम लोग जो देखे एक बार थोड़ा बैक होते हैं कि बिहार वाले तो वही तो नहीं है। देख लेते हैं एक बार, शक दूर हो जाएगा। बिहार के हम लोग वही लग सकते हैं। बिहार से गांधी रूपानी कलकत्ता से क्या नाम है, सब इंडिया ही। ये इनका ना यूके है, यूके संयुक्त राष्ट्र। वो लड़का पीछे है ना, हमारा सुनाम लिखा है यूके का, यूएसए का, यूएसए का बनावट। ये गिन के कितने होंगे, 2000 होंगे? 2000 नहीं होंगे, कम ही होंगे क्या? 200 मूर्तियां होंगी। सबसे वो आगे वाले कितना थैली लिए हुए हैं? एक फोटो ले लीजिए मेरा इन लोगों के साथ, अपने फोन से लीजिए, मेरे फोन में लाइव चल रहा है। अच्छा ये ले लेता हूँ, उसके बाद ले लीजिएगा, उसके बाद लास्ट कर दूंगा लाइव। ये लाइव लास्ट कर दूंगा इसके बाद। हाँ प्रिज्म पे। हाँ लाइव बंद कर देते हैं, बहुत लंबा चला गया वीडियो। हाँ फोटो ले लेते हैं थोड़ा सा।